आप लोग होंडा सिटी देख रहे हैं ना भाई, ये 2002 मॉडल है। और जनाब आपने 2002 की ना ऐसी होंडा सिटी नहीं देखी होगी। अंदर से आप लोग देख लें गाड़ी को, ठीक है? माशाल्लाह बहुत खूबसूरत गाड़ी है जी, देखें। तो लादरी भाई एक मेरे ख्याल में एक एतमाद वाला बंदा है। ये जेन्युइन ऑटो है जी, और ये अपने इंजन के ऊपर है। अंदर दोस्तों इस होंडा सिटी का जो मैं काम करवा रहा था, तो यहाँ ये मेरी वैगनार खड़ी है। तो आप लोगों को बताता चलूँ कि बारिश इतनी ज़्यादा हुई है कि ये देखें हमारे पाँव, देखें शूज़ वगैरह मैंने उतार दिए हैं, क्योंकि ये कैंची चप्पल मैं गाड़ी में हमेशा रखता हूँ, कहीं भी इमरजेंसी हो सकती है या कहीं नमाज़ पढ़नी हो। तो ये पानी देखें जी आप लोग, पानी जो है ना, ये सामने नाला है, नाले तक पानी पहुँच गया। तो मैंने कहा जी जल्दी से इस गाड़ी को इसका टायर लगवाते हैं, क्योंकि इसमें जो है ना हमने पीछे ना वो ब्रेक पैड डलवाने थे, मगर नहीं डले क्योंकि बारिश इतनी तेज़ हो रही है, काम हो नहीं सकता। तो बाकी ये है कि ये देखें आप लोग पानी की हालत देखें, ठीक है जी। तो गाड़ी में अपनी घुमा के लेके आए हूँ, मैंने कहा जी इसको खड़ी करते हैं दोस्त के पास, उसके घर पे, और वो हमारी वैगनार खड़ी है, फिर हम सीधा घर जाएंगे, ठीक है जी। हालत ऐसी हुई है कि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही बिल्कुल भी, ठीक है जी। तो मैंने इनसे कहा कि भाई इसको अभी जल्दी से जो है इसके टायर लगाओ, काम इसका फिर हम मंडे पे करेंगे, कल तो संडे है, मगर अभी इसको ना फिट करो बस। ये पानी आस्ता आस्ता बढ़ता जा रहा है, ये ऊपर आ जाएगा पानी, आप लोग देखें उस तरफ भी। मैं आपको ना चलो दिखाता हूँ, ये देखें चेक करें मेरा पानी, बहुत ज़्यादा पानी है जी, अभी जमा हो रहा है। ये बाइक देखें, दोस्तों ये जो आप लोग होंडा सिटी देख रहे हैं ना भाई, ये 2002 मॉडल है। और ये गाड़ी जो है इसका रिव्यू मुझे डालना था यूट्यूब पे आप लोगों के लिए, ये डिफेंस से ही मैंने गाड़ी ख़रीदी थी। तो ये भाई जो है ना हमारे आए हुए हैं अपना लड़काना से, ये इनको मैंने गाड़ी लेके दे दी है, क्योंकि ये गाड़ी जो है मैंने जब इसकी पिक्चर वगैरह बनाई थी एक दो तो इनको सेंड की, तो भाई ने मुझे कहा कि नादर भाई बस आप देख लें, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप लेके दें, चैनल पे नहीं लगाएं। तो ये गाड़ी मैं आप तमाम भाइयों के लिए लेके आने वाला था, मगर हुआ कुछ ऐसा कि मैं इसको चैनल पे नहीं लगा सका, ठीक है। उससे पहले ये गाड़ी सेल हो गई जी, और इसके जो है ना छोटे मोटे काम थे वो मैंने सारे इसके ना दो दिन में करवाए हैं। जैसे मैं आप लोगों को सर पहले अंदर से दिखाता हूँ जी, ये सीट कवर जो है इसके लगवाए, ऑन राइड पैनल जो था इसमें लगवाया, ये जेन्युइन ऑटो है जी, और ये अपने इंजन के ऊपर है। अंदर से देखें होंडा सिटी को आप, ठीक है। तो दोस्तों आपके भाई के पास ना ऐसी गाड़ियाँ होती हैं, ठीक है जी। तो भाई ने कहा कि नादर भाई मैं आपको पेमेंट भेज रहा हूँ, आप बस गाड़ी ले लें, बस आप पे मुझे भरोसा है। तो उन्होंने मुझे पेमेंट भेजी और ये गाड़ी मैंने उन भाई के लिए जो ख़रीद ली। तो बाकी आप लोग गाड़ी को देखें जी, ठीक है। मैं इसका ना आपको इंजन रूम भी दिखाता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पर इसका ऑयल चेंज हो रहा है, आप लोगों को मैं कुप्पे दिखाता हूँ जी, कुप्पे इसके देख लें आप लोग, कुप्पे नीट एंड क्लीन है, ये बैटरी नहीं लगी हुई है, ठीक है। मेन की पट्टी आप लोग इसकी देखें जी, मेन की पट्टी, ये दूसरा कुप्पा देख लें आप लोग, ठीक है जी। और ये बोनट देख लें आप लोग, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत गाड़ी है जी। और मैं आप लोगों को जो है ना दिखाता हूँ जी इसकी डिक्की भी, अंदर से भी देख लें आप लोग, ठीक है। ये चारों पांचों भाई हमारे जो बैठे हुए हैं ना, ये डिक्की भी आप लोग देख लें जी। दोस्तों डिक्की देखें इस गाड़ी की, बहुत खूबसूरत कंडीशन में दोस्तों ये गाड़ी है। तो ये जनाब मैंने जो है ना ऑयल वगैरह लिया है, ठीक है, ऑयल फिल्टर, क्योंकि जो भी हमारे दूर से भाई आते हैं मेरी कोशिश होती है कि उनको प्रॉपर, ये रेडिएटर का कूलेंट है जी, ये ऑयल है, ये एयर फिल्टर, ये ऑयल फिल्टर, ये सब पड़ा हुआ है, ठीक है जी। तो मैं गाड़ी बिल्कुल ओके करवा के रेडी करके देता हूँ जी, क्योंकि कहीं पर रास्ते में परेशान ना हो जाएं, ठीक है। मैं आपको डिक्की दिखाता हूँ, डिक्की देखें आप लोग इस गाड़ी की। दोस्तों बहुत खूबसूरत गाड़ी थी, अगर मैं इसको चैनल पे लगा सकता होता तो मैं इसको लगाता, मगर ये उससे पहले ही जो है ना सेल हो गई। तो अब क्या कर सकते हैं जी, नसीब की बात है, ठीक है जी। नंबर प्लेट जेन्युइन लगी हुई है इसके अंदर, आप लोग देख लें गाड़ी को। तो ये ऑयल उठा के देते हैं भाई को, तो ये इसके अंदर ऑयल डालेंगे, ठीक है। और जनाब आपने 2002 की ना ऐसी होंडा सिटी नहीं देखी होगी। अंदर से आप लोग देख लें गाड़ी को, ठीक है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत गाड़ी है जी, देखें। होता ना कि कहीं से डैशबोर्ड इसका डैमेज हो, ये स्टीयरिंग इस आप लोग इसका देखें, इसके मीटर्स देखें, बहुत ही लाजवाब गाड़ी है जी, जेन्युइन ऑटो है जी। तो दोस्तों छत भी आप लोग गाड़ी का देख लें, ठीक है जी। और बात होती है सारी नसीब की जनाब, और जो भरोसा करता है ना जी, तो बस उसको अच्छी चीज़ मिल जाती है जी। कॉलें आना स्टार्ट हो गई हैं।
वेलकम बैक गाइस। तो भाई खालिद भाई मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि खालिद भाई लड़काना से आप आए हैं। लड़काना से खालिद भाई आए हैं, और खालिद भाई को ये जो आप लोग होंडा सिटी देख रहे हैं, इस गाड़ी को मैं चैनल पे लगाने वाला था, मगर उससे पहले ही मैंने खालिद भाई को इस गाड़ी की सिर्फ छोटी सी एक जो है ना क्लिप बना के भेजा था। खालिद भाई ये गाड़ी, खालिद भाई ने कहा जी नादिर भाई अगर आपको पसंद है तो आप ये गाड़ी ले लें, मैं आपको पैसे भेज रहा हूँ। खालिद भाई ऐसी बात थी, बिल्कुल ऐसी है। और आप जब यहाँ पर पहुंचे हैं, आपने माशाल्लाह से गाड़ी देखी है, जैसी बताई थी वैसी है, बिल्कुल वैसी है। मैंने आपको कहा था कि सर ये गाड़ी के अंदर ऑयल वगैरह का काम है, जैसे कि छोटा मोटा सा है वो करवाना है, वही काम है इसके अंदर, कोई बड़ा काम तो नहीं है, कोई इंजन में काम तो नहीं है, एसी भी ऑन है गाड़ी का। तो खालिद भाई आप कब से मेरी वीडियोस देख रहे हैं? तकरीबन नादिर भाई मुझे तकरीबन साल से डेढ़ साल हो गया है, मैं आपकी तकरीबन वीकली बेस पे या कोई भी आप एड लगाते हैं गाड़ी की, ठीक है, तो मैं देखता रहता हूँ और बड़े शौक से देखता हूँ, और आपसे काफी कुछ सीखने को मिलता है कि आपको गाड़ी को कैसे चेक करते हैं, ये करते हैं। तो इसी वजह से मैंने आपसे रब्ता किया, और मैंने आपका नंबर लोकेट करके उस पर आपसे रब्ता किया, और आपको कहा कि भाई जैसे आपको समझता है आप वैसे डन कर दें। इसी वजह से ब्याह पे मैंने यकीन पे मैंने भेज दिया। आपने भेज दिया आपने जो मुझे पैसे भेजे आपके कहीं इधर तो नहीं किए? नहीं, नहीं नहीं, आपके पूरे पैसे आगे पार्टी को दिए मैंने। नादिर भाई एक मेरे ख्याल में एक एतमाद वाला बंदा है, और बहुत सिंसियर से ये काम कर रहा है, और काफी टाइम से काम कर रहा है। इंशाल्लाह मेरे ख्याल में इससे कभी भी ऐसी कोई बात नहीं होगी गलत बयानी वाली, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी कभी भी नहीं होगी। तो दोस्तों भाई को बस ऑयल जो है हम चेंज करवा के दे रहे हैं, बाकी तो गाड़ी ओके है, और बस बिस्मिल्लाह करके भाई जाएंगे जी लाड़काना की तरफ। तो भाई के लिए दुआ कीजिएगा कि भाई खैरियत से अपने घर पहुंच जाए, बाकी कोशिश करेंगे जनाब इस तरह की और गाड़ी आएंगी तो आप लोगों के लिए ऐड करेंगे। ये तो खैर भाई ने ले ली, और भाई को बहुत मुबारक हो सर आपको भी, थैंक यू। सब नादिर भाई की मेहरबानी है, इंशाल्लाह जज़ाकअल्लाह नादिर भाई, ये आपकी मोहब्बत है सर। आपने मुझे जब कहा कि नादिर भाई आप मुझे लेके दे अच्छी चीज है, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ जो अच्छी होती है ना सर, तो मैं वही लेके देता हूँ। अच्छी नहीं होगी मैं आपको बोल दूंगा सर ये गाड़ी अच्छी नहीं है, यही बात अच्छी यही थी तो मैंने आपको बोला सर ले लें। आपकी बहुत सी वीडियो ऐसी हैं, और भी लोग कहते हैं, सिर्फ मैं नहीं, कई और भी बहुत आपकी तारीफ करते हैं कि जैसे आपने कहा था वैसी आपने गाड़ी मिली है। तो दोस्तों अपने भाई को इजाजत दीजिए, खालिद भाई के साथ मिलते हैं किसी ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।